अंटार्कटिका में मिली ऐसी मिस्ट्रियस चीज है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 1, 2009 में एक डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का कंकाल मिला। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक ऐसी बिल्ली थी जो अंडे दे सकती थी, और रिसर्च करने पर पता चला कि ये जानवर कम से कम 2,50,00,000 वर्ष पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 2, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ी का ढांचा मिला, और हैरानी की बात तो ये है कि ये खोपड़ी अंटार्कटिका में पहली बार मिली थी। ये खोपड़ियां नॉर्मल खोपड़ी से काफी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे, और वैज्ञानिकों का मानना था कि इस तरह के खोपड़ी एंशियंट इजिप्ट से मिले थे। नंबर 3, 1980 में यहाँ पर कई डायनासोरस के कंकाल भी मिल चुके हैं जिनका साइज लगभग 36 फीट से भी ज्यादा लंबा है, और इन हड्डियों पर डीप रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये डायनासोरस की हड्डियां लगभग 70,00,000 वर्ष पुराना है।